तो मेरे भाई बहनों, चिंतन कर, वो चिंतन दो प्रकार से होता है, एक तो महाराज प्रेम से चिंतन होता है और एक दुश्मनाई से भी चिंतन होता है, कम एक भी नहीं पड़ रहे। तो ये हिरण्यकश्यपु जो है वो भगवान का प्रायश्चित करना चाहता है दुश्मनाई से, हाँ चिंतन दुश्मनाई से करना चाहता है। और एक बार वो घर से बन के लिए गया भगवान की भक्ति करने के लिए, और भगवान की भक्ति कर रहा है तब तक एक तोता आ गया, और तोता ने आकर के राम 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 कहना शुरू। और जैसे ही राम के नाम को सुना उस हिरण्यकश्यपु ने, और सोई भैया वो उसकी भक्ति खंडित हो गई, भाग पड़ा घर के लिए। अपने महलों में आया, पत्नी ने कहा भगवान क्या हुआ, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई? बोले न जाने कहां से एक तोता आ गया, वो तोता के मुंह से राम का नाम निकल गया। कयादु बोली हे भगवान, ये विष के अंदर से अमृत की बूंदें आज कहां से निकल रही हैं? मेरे पति के मुंह से राम का नाम निकल रहा है। अच्छा एक बात बताओ महाराज, अब तो कयादु अज्ञान हो गई, मानो को जानती न हो, अंदर जाती है बाहर निकल के आती है तो हाथ जोड़ लेती, महाराज तोता ने कौन को नाम लाओ? बोले राम को नाम। रसोई घर में भोजन तैयार करती है, परोसती है, महाराज तोता ने कौन को नाम लाओ? बोले राम को नाम। कहने का मतलब है अपने पति के मुंह से कयादु ने 108 बार राम का नाम निकलवा दिया। और फिर कयादु हाथ जोड़ के बोली महाराज एक काम करो। बोले क्या? अब तुम चले जाओ। कहां? बोले जंगल में। क्यों? बोले अब भक्ति करना तो तुम्हारी भक्ति अब की बार सफल हो जाएगी। ठीक है, पत्नी के कहने से हिरण्यकश्यपु पुनः चला जंगल में और भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते दिन काफी हो गए, अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बेटा तुम हमसे वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला वरदान हमें चाहिए, तिरवाचा कर दो। ब्रह्मा जी बोले विश्वास नहीं है। हिरण्यकश्यपु बोला पक्का? तो फिर तिरवाचा काएगा? बोले नहीं नहीं, तिरवाचा के बगैर तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने तिरवाचा कर दिया तो हिरण्यकश्यपु बोला केवल एक वरदान मुझे दे दो, मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले माफ करे हिरण्यकश्यपु, ये अमरता का वरदान छोड़ करके जी चाहे तुम 100 वरदान मांग लो, लेकिन हम तुम्हें अमर नहीं कर पाएंगे। तो हिरण्यकश्यपु बोला अमर नहीं कर पाओगे तो फिर तुम हमें 6 वरदान दो। कितने? 6 वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले बच्चर बेईमान है, एक अमरता के वरदान के बदले में हम तुम्हें 6 गुने वरदान दे? कोई बात ना, तुम 6 वरदान मांगो। और क्या मांग रहा है हिरण्यकश्यपु 6 वरदानों में? साहब बाहर न मरे, दिन में न मरे, समय न मरे, पशु से न मरे, हिरण्यकश्यपु मांग रहे हो प्रभु पहला वरदान हमें दियो, न ऊपर मरे न नीचे मरे, दूसरा वरदान न भीतर मरे न बाहर मरे, और तीसरा वरदान न दिन में मरे न रात में मरे, और चौथा वरदान हमें ये दियो न नर से मरे न पशु से मरे, और पांचवा वरदान हमें ये दो न अस्त्र से मरे और न शस्त्र से मरे, और छठवा वरदान हमें ये दे दियो हम 1 साल के 12 महीनों में न मरे, और सुनो और एक वरदान और दे दो ना महाराज। ब्रह्मा जी बोले क्या? बोले भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी चीज से हवा उत्पन्न न होए। ब्रह्मा जी बोले
जब बावरे को तो हम पहले ही अमर कर देते तो ही ठीक थे, फिर तो जो अमर ही हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, हमने ये तुम्हें वरदान दिया। एवं मस्तु जैसे ही कहा के कना गए। अब हमारे समान भला दुनिया में कौन है? और ऐसा होता है अगर समाज में व्यक्ति को छोटी सी पदवी प्राप्त हो जाए तो नहीं चाहता है कि हमसे नीचे भी कोई जी रहा है, हमसे भी कोई नीचे गरीब जी रहा है। अरे भैया, दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोतों को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई। अरे आसमान पे उड़ने वाले धरती को पहचान, आसमान पे उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। एक बात और बता दूं, बरसे जलद भूमनी रान, जब बादल बरसते हैं परीक्षा जी कहते हैं बात सब सब कहियो महाराज, बारिश को नाव मल ले ठीक है भाई, अभर ही ना है। नहीं नहीं अभर भी रही बात ना, मतलब बात आएगी ताजा कह रहा है। बरसे जलद भूमनी अराने, जब बादल बरसते हैं तो जमीन के नजदीक आ जाते हैं। बरसे जलद भूमनी अराने और जथा न भय बुद्ध विद्या पानी, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो झुक जाता है, जब वृक्ष पर फल आते हैं तो झुक जाता है। एक बात और सुनो साहब, झुकता वो है, झुकता वो है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो सदैव मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए समाज में मेरे भाई बहनों, अपने से बड़ों से झुकते चलो, फायदा हो जाएगा। झुकते चलोगे फायदा हो जाएगा, और अकड़ के चलोगे तो ध्यान रखना भाई बहनों, अकड़ने वालों की गति क्या होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, सो दो मिनट में फुकवा दिया जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए झुकना सीख जाओ, झुकना सीख जाओगे बड़ी फायदा हो जाएगी। इसलिए अकड़ना नहीं, चार पैसा इकट्ठे हो गए हैं बहुत बढ़िया बात है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, हम ग्रस्त हैं, ग्रस्तों को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, लेकिन उस कमाई भाई आय में से 10% धर्म के कार्य में व्यय कर देना चाहिए, तब वो कमाया हुआ धन हमारा पवित्र होता है, ऐसा लिखा साहब। अब ये नहीं है साहब कहेंगे महाराज अपनी कथा के लिए कह रहा है, नहीं 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 नहीं, कथा तो एक अलग की बात है। किसी गरीब की बहन बेटी का विवाह है तो उसमें हाथ बटाओ, आपके पैसा से कोई गरीब के प्राण बच रहे हैं तो तुरंत वहां वो पैसा यूज कर दो, फायदा हो जाएगा साहब। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए आइए कथा में प्रवेश कर रहे हैं, समय तो घड़ी बहुत तेज भाग रही है, सुनिए सुनिए, आज बैठे रहो चमके, जो होगी सो देखी जाएगी। कथा सुनो, तो हिरण्यकश्यपु ने पहला धावा, पहला आदेश इन संतों पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर और भक्तों पर, समझ लो अगर किसी के मुंह से राम का नाम निकल गया नतीजा होगा मृत्यु दंड। बड़े परेशान है भगवान के भक्त, बड़े हैरान है भगवान के भक्त, करते क्या। और जिस समय हिरण्यकश्यपु गया था ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, उस समय देवताओं का राजा इंद्र आया और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु का हरण करके ले गया। नारद जी ने कहा ले जा रहे हैं, बोले इसे मारूंगा, क्यों, क्योंकि इसके होने वाला बालक अगर अपने पिता के पद चिन्हों पे चला गया तो दो दो हिरण्यकश्यपु हो जाएंगे। संत हृदय नवनीत समाना, संत का कितना भी बड़ा दुश्मन हो लेकिन संत फिर भी भलाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं। एक बार एक नदी में एक बीछू बहता हुआ जा रहा था, बीछू देखा है, देखा है, देखा होगा लेकिन उसे टच नहीं किया होगा, अगर अब की बार मिले तो उसे टच करके देखना बीछू का स्वभाव क्या होता, कुछ नहीं ऐसे कर देना बस। बीछू जा रहा था नदी में बहता हुआ और उसी नदी में एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे और तल पर चार छह लोग बैठे देख रहे थे। सो महात्मा जी ने देखा ये बाप रे बीछू बहता हुआ जा रहा है, उन्होंने उसे यूं करके हाथ में पानी से नीचे यूं करके डाला और बीछू को हाथ में ले लिया और बीछू ने तुरंत डंक मार दिया। हाँ, महात्मा जी का हाथ हिल गया और बीछू फिर गिर गया। वो देख रहे हैं बाप किनारे पर खड़े खड़े, बीचू फिर चलने लगा, महात्मा जी फिर आगे बढ़े और बीचू को फिर यूं करके उठाया, बीचू ने फिर डंक दिया, फिर हाथ हिल गया, बीचू फिर गिर गया। बीचू फिर चलने लगा, महात्मा जी फिर आगे बढ़े, उन्होंने फिर उठाया और फिर डंक दिया। किनारे पर खड़े लोग बोले ओ महात्मा जी
ये बार बार तुम्हें डंक मार देता है और तुम्हें से बचाने का प्रयास करते हो, तो क्या जवाब था साहब संत का? है सुनने लायक है। संत कहने लगे, अरे मेरे प्यारे भाइयों, जब ये छोटा सा बीचू अपने सुभाए को नहीं छोड़ सकता है, बोला हम तो फिलहाल इतने बड़े अपने सुभाए को कैसे छोड़ दे, हमारा तो स्वभाव यही है कि डूबते हुए को मेरे भाई बहन खींच करके किनारे पर करते। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो महाराज अपने सुभाए को नहीं भूलना चाहिए, व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। इंसान का कर्म है साहब, जियो और जीने दो, ये इंसान की सबसे बड़ी भक्ति है साहब। कहे प्यार से जय श्री जी आएगा, बहुत कहना चाहता हूँ। अब हुआ क्या सुनिए, तो संत तो सबकी भलाई चाहते हैं साहब, और सुनो ना महाराज अब हुआ क्या। हिरण्यकश्यप ने संतों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को बड़ा तंग किया, तो देवर्षि नारद जी ने कहा इंद्र से, इस कयादु को मेरे आश्रम पे छुड़वा दो। और कयादु को आश्रम पे छुड़वा दिया, तो उस बच्चे को कयादु को सत्संग मिल गया, और सत्संग से महाराज ऐसा बदलाव आया, ऐसा बदलाव आया, हिरण्यकश्यप अपने राज्य में घर महलों में पहुंचा, तो कयादु भी महाराज महलों में, और कयादु की कुच्छा से एक बालक ने जन्म लिया है, जिस बच्चे का नाम विद्वानों ने महाराज प्रह्लाद रख दिया। बोली प्रह्लाद भगवान की। ये भाई प्रह्लाद महाराज है जिनका द्वादश भागवतों में नाम वर्णन किया जाता है, ये बारह भागवतों उनमें प्रह्लाद जी का नाम जुड़ा है महाराज, है ना। आगे कथा है कि तब बताएंगे, अब तो धीरे 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 धीरे। लेकिन शास्त्र कहता है, माता शत्रु पिता बैरी ये बालों ने पाठता, बे माँ बाप बड़े क्रूर होते हैं, बे माँ बाप बड़े कंजूस होते हैं, जो अपनी संतान को उच्च शिक्षा नहीं दिलवाते हैं, साफ शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा होगा हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं संडामर्क, ये गुरुकुल चलाते हैं, तो उसमें जाकर के अपने बेटा को उन्होंने प्रह्लाद जी को बोले लाला यह शिक्षा, और उनसे कहा देखो सुनो, ये भगवान का नाम न ले पाए, अगर इसने भगवान का नाम ले लिया तो समस्या ज्यादा जटिल हो जाएगी। जी जी महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। अब विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, एक बार प्रह्लाद जी निकले चले आ रहे थे, निकले चले आ रहे थे, तो क्या देखा, एक बूढ़ी मैया है, और बूढ़ी मैया अपने घर के अंदर भगवान राम का नाम ले रही है, राम 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 राम। प्रह्लाद जी के कानों में आवाज पड़ी, बोले बाप रे, मेरे पिता के राज में ये राम का नाम लेने वाला भला कौन है। सो अंदर गए, ए बूढ़ी मैया, लाला किसका नाम ले रही है, बोले भगवान का नाम। क्यों, बोले हमसे भूल हो गई। किस बात की, बोले बिल्ली के चार बच्चा इस हवा में दब गए हैं, अग्नि प्रज्वलित है गई है। प्रह्लाद जी बोले तो तू नाम ले रही है तो करेगी क्या, बोले मेरे भगवान के नाम में इतने पावर है, इतनी शक्ति है, ये बिल्ली के बच्चा या हवा में से जिंदा निकल आएंगे। प्रह्लाद जी बोले चुप रहे, जलती हुई अग्नि में से भला कोई जिंदा निकलेगा। अग्नि का स्वभाव क्या होता है मालूम है, अग्नि को अगर जानबूझ के छोई लोगे तब भी जला देगी, और धोखे से भी महाराज कहीं टच हो जाए तब भी अपना स्वभाव प्रकट प्रस्तुत कर देगी। तो बेटा बोला मैया, अगर जे बच्चा बिल्ली के चार बच्चा जिंदा नहीं बचे तो। तो बूढ़ी मैया ने एक बात कही, लाला के बच जावे वाला धारी के, तो लला बधाई दे जाना। मैया को अपनी भक्ति पर इतनी बड़ी दृढ़ता है, और प्रह्लाद जी से कहने लगी लाला मेरी बात सुनो, बच जावे लला बधाई, तो लला बधाई दे अन्यथा सुनो तुम कुमार मेरे, अरे प्राण हमारे ले जाना। We'll be right back.
अगर ये कल बिल्ली के चार बच्चा जिंदा न निकले तो तुम्हारी तलवार होगी और हमारी गर्दन होगी। ठीक है, बेटा ने सोची बिना मतलब से कल मारी जाएगी, हमें तो मालूम है जो अग्नि जल चुकी है और जाने से जिंदा बच्चा कैसे निकलेंगे। लेकिन भागवत श्रोता बंधु जनों ध्यान रखना, ध्यान रखना, भगवान की गति बड़ी विलक्षण है साहब। रात में नींद दोनों को ना पड़ी, इते बा बेटा को ना पड़ी, उते बा बूढ़ी मैयू को ना पड़ी। अब यहाँ भी महाराज चिंतन और चिंता की बात है, एक को चिंतन के कारण से नींद ना पड़ी और एक को चिंता के कारण से नींद ना पड़ी। बा बेटा ने तो जो सोची जो अग्नि में से भला जिंदा बच्चा कैसे निकलेंगे, सारी रात बैठा रहा चिंता करता रहा, हे भगवान मेरे हाथों से कल एक बूढ़ी मैया का वध हो जाएगा। और बा मैया को नींद जा से ना पड़ी, हे करुणा निधान हमें इस बात की परवाह नहीं है कि कल हम मारी जाएंगी, हम मर जाए मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर बिल्ली के चार बच्चा कल जिंदा नहीं निकले तो तुम्हारे नाम से भक्तों का विश्वास टूट जाएगा। आज मैया राम 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 कह रही है। आइए सब लोग बोलते तो है Thank you.
भगवान का चिंतन करते रहे। राम 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 राम। प्रातः काल हुआ, बेटा चला, हाथ में तलवार है, लड़खड़ाता हुआ जा रहा है बिना मतलब से। आज मेरे हाथों से एक निर्दोष निर्दोष के प्राण लिए जाएंगे। खैर कोई बात नहीं है। और तब तक बेटा पास में पहुंच गया। मैया बोली, लाला आ गया। हाँ हाँ, खोलो ना अवा। और अवा को मैया खोलने के लिए उद्यत हुई है। तो कैसे अवा खोल रही है साहब? वो बूढ़ी मैया, वह बूढ़ी मैया आज अवा को खोल रही है। भैया अरे धोने लाग रही और मैया लाग रही दुखिया खोल जातिया भोला मधुमेला गिरई मैया खोल कुमारी मैया पके पके अवा घड़ा को उठाती है और दूर रख देती है और झांक के देखती है इसमें तो नहीं बिल्ली के बच्चा है। और महाराज धीरे धीरे वो अवा में से घड़ा उठाती है, दूर रख देती है। लेकिन चिंतन भगवान के नाम पर जारी है। हे प्रभु, बिल्ली के चार बच्चा जरा जिंदा निकले हैं। मुझे मर जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर बिल्ली के चार बच्चा जीवित नहीं निकले तो तुम्हारे नाम से भक्तों का विश्वास टूट जाएगा। और वो मैया के आंखों से अस्त्र धारा बह रहे हैं। अरे रावण ने लाग श्रोता बंधु जनों, वो बूढ़ी मैया की करुण भरी आवाज भगवान के कानों में पहुंच गई और है गई कृपा सिंधु की कृपा की बारिश। महाराज क्या हुआ? अरे चारे घड़ा कुल रह गए कच्चे, घड़ा कुल रह गए कच्चे, चारे घड़ा भैया रह गए कच्चे, चारे घड़ा कुल रह गए कच्चे, बुनई में हते बा बिल्ली के बच्चे, हते बा बिल्ली के बच्चे, बुनई में हते मझारी के बच्चे, तेरे मझारी के बच्चे, अरे ले झट भाग गई
इसलिए गोविंद भगवान की भागवस्त्रों केवल चार घड़ा बन जैसे रखे हैं वैसे ही रखे हैं और उन्हीं घड़ाओं के अंदर वह बिल्ली के चार बच्चे महाराज मुकम्मल जीवित हैं। है गई कृपा सिंधु की कृपा की बारिश। बेटा ने देखा बाप रे ये मेरे पिता की औकात नहीं है, ये दृश्य कर देता। जैसे लकड़ी ऊपर से कटती है, कटी हुई लकड़ी जमीन पे गिरती है। बेटा बगल में खड़ा था, साष्टांग मैया के चरणों में लेट गया, मां मुझसे भूल हो गई, आज मैं समझ गए हमारा पिता तो लोकल भगवान है, ये ओरिजिनल सत्ता तो कोई और है। एक बात बताए परीक्षित जी, आप बढ़िया से बढ़िया बंगला बनवाओ, खूब बढ़िया से बढ़िया, और अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी पेंट लाओ, कलर करो, और जब वो कलर करो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, कितना सुंदर लगता है। ये चांदनी देखो ऊपर एक बार देखो कितनी मलूक लग रही है, और महीना दो महीने में छह महीना में एक साल बाद में ऐसी अच्छी ना लगेगी जैसे अवे लग रही है। हम किसी चांदनी की बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी कथा की बात हल कर रहे हैं। दुनिया के अंदर एक ऐसा रंग है, आप बढ़िया से बढ़िया महंगा से महंगा कलर ला करके करो साहब, और वो कलर जब किया जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और चार दिन के बाद में बाद कलर को रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा, मलिन हो जाएगा। लेकिन एक रंग ऐसा है, पहले तो परिचय जी काऊ पे चढ़ता नहीं है, और अगर धोखे से एक बार चढ़ जाए तो जन्म जन्मांतर वो उतरता नहीं है साहब, जन्म जन्मांतर नहीं उतरता। वो जितना गहराई में जाएगा उतना ही महाराज कलर अच्छा देगा। वो कलर काय को पतो है, वो कलर है मेरे भागवत श्रोता बंधुजनो भक्ति का। ये भक्ति वाला कलर तो पहले किसी पे चढ़ता नहीं है, और एक बार अगर चढ़ जाए महाराज तो जिंदगी में उसका निखार कम नहीं होता है। और यही कारण था भक्त प्रहलाद जी पे भक्ति को रंग चढ़ गयो। दरबार लगा हुआ है पिताजी के पास में पहुंचे, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप बोला बाबला ये राम का नाम कहां से इसने सीख लिया, मेरे बैरी दुश्मन का नाम राम का नाम काहे को कह रहा है। संडा मरख जी के पास में गए, तुम्हारी ये हिम्मत, हमने मना किया वही काम तुमने किया, मेरा बेटा उस भगवान विष्णु का नाम ले रहा है। संडा मरख जी बोले महाराज सत्य बात तो ये है, मैंने तुम्हारे बच्चे को ये हालत नहीं सिखाई, ये कोई मतलब नहीं है, मेरा दायित्व तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा ये राम का नाम ले रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, कोई बात नहीं है, पहली गलती है, दोबारा अगर ऐसी गलती करी तो नतीजा हमारी आदत से बाकिफ तो हो ही। संडा मरख बोलो आगे लगो उल्टी खोपड़ी को है, ठीक है ध्यान रखना। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी को बच्चों ने कहा भैया बोले क्या है, बोले एक बात बता भैया, हालांकि पिता तुम्हारे तुम्हें डांटते हैं, गुरुजी तुम्हें डांटते हैं, कष्ट तो हमें होता है। प्रहलाद जी बोले भक्ति में तो ये सब चलता है, भक्ति में तो ये सब चलता है, कोई बात नहीं है। तो प्रहलाद जी से वो और जो मित्र थे सखा लोग बोले भैया जो तू भक्ति करता है ये भक्ति कहां मिलती है, बोले इसके लिए कहीं बाजार नहीं लगा है। बोले फिर बोले हम भी चाहते हैं ऐसी कर ले, बोले सही, बोले सही पक्का, बोले पक्का दृढ़ है, बोले दृढ़ है, बोले तो चलो। कहां एक कमरा था बहुत सुंदर, कई गुरु जी से अलग चलो और जाए के सब बालक उन्होंने लिए और कमरा बंद कर लिए और अपन सामने खड़े हो गए मॉनिटर बन के। अब मॉनिटर पहले चलते थे, अब तो घर बात ही छोड़ दी, जब पढ़ाई होती थी जो होशियार बच्चा था उसे सामने रखा जाता था। प्रहलाद जी बोले हम मॉनिटर गिरी को काम करेंगे, तुम सब हमारे साथ बोलो, और प्रहलाद जी हो गए आगे और उन बच्चों पर महाराज बुलवाने लगे। क्या बुलवाने लगे जरा मेरे साथ बोलो तो सब लोग। गोपाल जय जय गोविंद हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोविंद।
गोपा। बच्चे सब गाने लगे और जो ही शोरगुल हुआ, अच्छा जब सब लोग गाएंगे, अच्छा आप लोग जब मेरे में सब लोग गाओ तो आवाज नहीं होगी, आवाज तो होगी। बगल में संडा मर्ग दोनों ही थे आचार लोग, उन्होंने कहा ये आवाज कहां से आ रही है, अगर हिरण्यकश्यप ने सुन लिया तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने दो अपने साथी भेजे, जाओ इस कीर्तन को बंद कराओ। अब दो बालक आए गुरु जी के भेजबे से उनके साथी, उनने की बात की बात हो, इन बच्चों से क्या दोष है, इनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो जब मान इंटर को है, तो भाज के आए और भैया पहला जी के तन से क्या कर रहे, परीक्षित जी वो करेंट नौ के अंदर पौड़ गए और बेवगाए उठे महाराज, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। देव कीर्तन गाए थे, कुछ बोले जे दोए भेजे सो कहां रह गए, उनने फिर दोए भेजे और फिर दोनों जाके पहला जी को टच करो, वो करंट होने को अंदर पहुंच गए, बेहू गाय उठे, पहला जी के गुरु जी बोले जो कुछ हो गया सुले, चलो हम जाएंगे देखे अगर बात क्या है, जो जा रहा हूं सोई बा कीर्तन कर रहा हूं आखिर कुछ तो है। दोनों ही गए, शुक्राचार्य जी के बेटा संडा मर्क दोनों बोले, कुछ बच्चों ने देखा और पहला जी से इशारे में कहा, ए भैया भैया, पहला जी बोले क्या है, बोले गुरुजी आ रहे हैं, बोले पहला जी जो होएगी सो देखी जाएगी, आज गुरुजी को थोड़ा प्रसाद अगर चखाए दे तो कैसे हो रही है, बोले बहुत बढ़िया, बोले ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, आज तो इतना काम करना ही है। और वे दोनों ही जैसे ही आचार्य संडा मर्क और सो विद्यालय के बालकों ने दोनों को गोद में उठा लिया और कीर्तन शुरू हो गया, अरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, मुरली कन्हो हरनलाल जय जय, कीर्तन शुरू और बर्बन बच्चों ने गुरु जी को तो वही ऊपर 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 कीर्तन शुरू। हिरण्यकश्यप ने आवाज सुनी, बाप रही आवाज कहां से आ रही, हिरण्यकश्यप आया देखा गुरु जी कीर्तन कर रहे, आगे बढ़ा हिरण्यकश्यप ने एक मुष्ट का जमीन पर प्रहार, गुरु जी बोले ए गुरु जी, हिरण्यकश्यप बोला मैं समझ रहा था तुम हमारे बच्चों को गलत शिक्षा देते हो। संदामर्क जी बोले महाराज एक बात बताएं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, है ये दोषी तो तुम्हारा अपना बालक है, लेकिन महाराज जो आनंद इस कीर्तन में आया है हमने जिंदगी में आनंद नहीं देखा। हिरण्यकश्यप बोला मैं समझ रहा हूं, मैं समझ गया। बोले महाराज अब तुम समझो या न समझो, लेकिन जो आनंद जो कीर्तन की लहरी थी वो आनंद जिंदगी में हमने कभी, जो आनंद सिंधु सुख राशी सी करते तिरलोक सुपासी, सो सुख धाम रामय सनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी का जब प्राप्त होगा तब ये चौपाई वर्णन आएंगे महाराज, तो ध्यान रखना भागवत श्रोता बंधु जन सुनो। तो दरबार लगा है महाराज का, पहला जी पहुंच गए, पहुंच गए पिताजी, जिद आपकी गलत है
उस भगवान के चरणों का आश्रय ले लो तो फायदा हो जाएगी। हिरण्यकश्यप बोला कल का छोकरा और मुझे उपदेश दे रहा है, है? क्या बोले? हाँ, मुझे उपदेश दे रहा है। मंत्री बोला, महाराज एक बात बताएं। बोले क्या? बोले तुम परेशान ज्यादा लग रहे हो। बोले परेशान नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं देखना चाहता। सच बोले बिल्कुल, तुम चाहते हो। बोले ये कल मरे सो दयाल मर जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मंत्री ने कही महाराज कैसी बनावटी बातें कर रहे हो, कल तक ले बेटा तुम है ना। बोले सो कैसे? बोले कहीं से जहर मंगवाओ। क्या मंगवाओ? जहर मंगवाओ और वो जहर अपनी पत्नी के द्वारा अपने बेटा को खिलवाए दो, सवेरे तक काम तमाम। राजा ने कही बात तो ठीक है। हिरण्यकश्यप ने जहर मंगाओ, इतना तीव्र जहर मंगाया एक बूंद अदरों से लग जाए फिर दुनिया की ताकत ना है जो बचाए ले। एक कटोरा में वो जहर मंगाओ और हिरण्यकश्यप महलों के लिए प्रस्थान कर गए। हिरण्यकश्यप को दूर से आते हुए पत्नी ने देखा, अयाधु ने, तो स्वागत के लिए खड़ी हो गई। पतिव्रता मैया खड़ी हो गई। हिरण्यकश्यप ने जाएंगे कयादू से एक बात कही। भद्रे बोले हाँ जी महाराज। बोले एक बात बताओ। बोले जी पूछो। बोले ये बेटा जो पहलाद है मेरा बेटा है कि तेरा है? रानी बोली कैसी बनावटी बातें कह रहे महाराज, मेरा है कि तेरा है? का मतलब? अरे बेटा मेरा है तो आपका है, आपका है तो मेरा, मतलब आपका ही है। हिरण्यकश्यप बोला मुझे पूर्ण विश्वास था यही आप कहोगे बेटा मेरा है। हाँ हम अपने बेटा के साथ कोई सल्लूक बरतना चाहे तुम्हें कोई आपत्ति विपत्ति? रानी बोली हमें महाराज कौन सी आपत्ति विपत्ति है? उन्हें का मालूम थी जो कौन सा षड्यंत्र रच के ले आए। बोले महाराज हमें कोई दिक्कत ना है। बोले तो इधर आओ। जी महाराज ये पकड़ो वो जहर का पात्र है। रानी ने पकड़ लिया। हाँ महाराज बोले क्या करना चाहिए? ये जहर है और मैं नहीं चाहता मेरे हाथों से मेरा बेटा मारा जाए। ये जहर शाम को खिला देना और सवेरे तक मैं जिंदा नहीं देखना चाहता हूं। इतनी बात मन कही चलो गो दरबार के लिए। रानी को बड़ी चिंता, अब कौन सी निपुतनी मैया होगी अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे देगी? तो रानी चीख पड़ी। अरे मो दुखिया सी सोई
सात वस्त्र का बंधु जनो। सुनिए रानी रोने लगी, करती भी क्या मजबूर है, कैसे हम अपने बेटा को जहर दूंगी। राजा तो बाहर से चले गए, अब रानी बड़ी मजबूर है। शाम को प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी को मैया ने गोद में बैठा लिया। लाला तुम आज हमसे नाराज होकर के कहीं बाहर चले जाते, मैया कैसी बातें कर रही हो तू, जरा हमें बात तो बता, काहे को इतनी उतनी उतावली काहे को है। लाला तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारने के लिए जहर भेजा है। मैया पागल हो गई है क्या, लीनो जन्म सो मरत है, निकधीर मन को दीजिए, एक बार पुचकारी के मां प्रेम हमसे कीजिए। काहे को पागल है मैया, ये जहर ही तो दिया है जिसका रक्षक भगवान है, दुनिया वाले बाबू का कुछ बिगाड़ सकेंगे। और वो बेटा ने परीक्षा जी जहर ले लिया हाथ में, और जहर लेके राम 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 कह के सब जहर का पान कर गए। सब जहर पी गए, कछु नाए बाओ, गर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। वो कृपा का सिंधु है साहब, उसकी कृपा के सिंधु की एक बिंदु मुझे प्राप्त हो जाए तो जिंदगी आनंद में परिवर्तित हो जाती है। बेटा पर कुछ नहीं हुआ, दरबार लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है। और पहला जी पहुंचे, पिताजी राम राम, क्या हुआ, ये जिंदा कैसे है, ये कैसे जिंदा है, है? और तब तक पहला जी आ गए, क्या हुआ। बोले जिसका रक्षक भगवान है, दुनिया वाले बाबू कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। और मंत्री बोला, मंत्री राजा से, मंत्री राजा से बोला, मंत्री राजा से बोला, महाराज वहां एक बात समझ में आया ही। बोले कौन सी बात, बोले कौन सी निपुतनी मैया हो अपने आतंक से जहर दे देगी। राजा ने की बात तो ठीक है, चलो चलो मंत्री को लेके राजा आज महलों के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज इधर कया दूर से आते हुए अपने पति को देखा, तू बोली महाराज एक बात बताओ, तुम इतने मलिन काय को हो। हिरण्यकश्यप बोला चले पर नमक डाल रही है तेरी ये मजाल, हमने तुझसे कहा था मेरा बेटा तन जिंदा नहीं देखना चाहता और तूने जहर नहीं दिया। कयाधु बोली महाराज बिना मतलब से ही हमें डांट रहे हो, हमने बेटा को जहर नहीं दिया या दिया,
लेकिन तुम कह रहे नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन महाराज मैं सौगंध आपके चरणों की खा करके कह रही हूं, जो तुमने हमें वस्तु दी, हम मेरे बेटा ने मेरी आंखों के सामने वो ग्रहण की, अब हमें नहीं मालूम हमें अमृत आतो का जहर आतो, और भाग के गई अंदर वो रानी बा जहर के पात्र को ले आई, महाराज अजवाइश करके देख लियो, अब राजा कैसे चाट ले बा जहर को, बा में तो जहर ही है, तो राजा ने पात्र पकड़ लिया, मंत्री से कही इधर आओ इधर आओ, मंत्री बोले जी महाराज, इधर आओ जी महाराज, बोले ले अजवाइश तो करो अजवाइश करो, और मंत्री बोला अगर हम नाए खाए रहे तो राजा की तलवार गर्दन पे और खाए ले रहे हम तो, इसलिए भैया दो व्यक्ति के बीच में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और जैसे ही मंत्री ने जहर को लो और जैसे ही अधरों से रखा मरी गई, झंझट ही मिट गई, बोलिए गोविंद भगवान की, मरी गई और बेटा पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा हो गई महाराज, उस करुणा निधान भगवान की। अब क्या हुआ, अब हुआ ये उस बेटा को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कई एक उपाय किए, पहाड़ों से समुद्र में डलवाओ भगवान ने रक्षा कर ली, हाथियों के पैर से कुचलवाया भगवान ने रक्षा कर दी, और सुनो ना अब की बार तो महाराज हिरण्यकश्यपु की एक बहन है, बहन जिनका नाम है सिंहिका, जो महाराज विप्रचिति के लिए विवाही गई है, तो सिंहिका के पास में है शीतल चीर, क्यों हाँ उसे जाई बात को अहंकार हो तो शीतल चील हम ओढ़ के बैठ जाती थी, लेकिन उस पर अग्नि का असर नहीं होता था, उसी समय में अपने ससुरे से मायके में आई, हिरण्यकश्यपु को ज्यादा व्याकुल देखा, भैया बात क्या है, बात का सुना है बहन, या तेरे भतीजे ने हमारा तो खानो पीनो दुश्वार कर दिया, चाहती क्या, बोले हमें से जिंदा नहीं चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, तुम मत परेशान हो, कल तक ये बेटा तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा, है पहला जी को सिंह काने गोद में बैठा लो, बेटा इधर आओ बैठो, और बैठ गए, और बस शीतल चीर चदरी अपन ओढ़ ली, और बने भाई समय अग्नि प्रज्वलित कर ली, आंधी को लगो झोंका, वो शीतल चदरिया सिंहका के तन से हटी और बेटा के तन में लपेटा खाई गई, वे चरी गई वे बच गई, हो गया होली, जो कुछ होनी अति सो होली, दिन से महाराज होली का त्योहार, होली गोविंद भगवान की, बेटा पर कुछ नहीं हुआ, दरबार लगा हुआ था, आगे बढ़े प्रहलाद पिताजी राम राम, जल्लादों से कहा जल्लादो इसने तो मेरा खाना पीना दुश्वार कर दिया, जाओ इसे बांध लो, और जल्लादों के कहने से प्रहलाद जी को बांध लिया गया, ध्यान रखना भाई लोगों, जल्लादों ने पहला को बांधा और जल्लाद लेकर के चले, तो हिरण्यकश्यपु ने अपने आंगन में एक लाल गर्म खंभ कराया, स्तंभ गर्म खंभ कराया, और बेटा को खंभ से बांधने के लिए ले गए, फिर बेटा की नजर जो होती खंभ के ऊपर पहुंची और दिमाग में झटका लगा, हे भगवान अब जा गर्म खंभ से का हमें मरवाई डाल रहे हो, है गई कृपा सिंधु की बारसबा ने छोटो सो चीटी को रूप रख लो, और बा गर्म खम्भ से ऊपर से नीचे चले आए रहे भगवान, और नीचे से ऊपर जा रहे ऊपर से नीचे जा रहे, प्रहलाद जी बोले पिताजी एक काम करो तुम हमें बांधो ना, जा खम्भ की बात है तो जाए लो खुद ही बैठे ले रहे, प्रहलाद जी ने सोची जब जब लाल गर्म खम्भ से जब चीटी ना मरी, फिलहाल हम तो इतने बड़े है, और बा बेटा ने राम 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 कह के महाराज खम्भ को भेंट लिया, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अरे राम रटना घन श्याम रटना, राम रटना घन श्याम रटना, बा बेटा को लाग रही राम रटना, सभी लोगों से निवेदन है, जाके आपके सामने है प्रहलाद जी की, जो भी
सम्मान करना चाहे या बैठ करना चाहे से आ सकते हैं प्रहलाद जी के लिए। भगवान की भाग सुनो तो भगवान की कृपा है बेटा पर कुछ नहीं हो रहा। अब क्या हुआ और जब खम्भ को बैठ लो तो हिरण्यकश्यप आप बबूला हो गया। प्रहलाद जी से बोला हिरण्यकश्यप के तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी बोले फिर पिताजी गलत बोल रहे हो। फिर क्यों गलत बोल रहे हो। मेरा भगवान कहाँ है ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए, तुम्हें तो ये कहना चाहिए मेरा भगवान है कहाँ नहीं। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं प्रकट हो माए जाना प्रेम से हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरे माने भगवान, व्यापक माने मौजूद है और सर्वत्र माने सभी जगह। भगवान तो परिचिति अगपति जी पृथ्वी के जर्रे जर्रे में व्यापक है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं।
एक कवि लिख रहा है, खोया हो तो फिर मिले, खोया हो तो फिर मिले, रूठो ले मनाए और मिला रहे पर ना मिले ताते कौन बसाए। भगवान तो मिला हुआ है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं साहब, कल कथा में आगे बताएंगे। तो मेरे भैया हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जी ने कहा, भगवान तो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, या तलवार में है, या खम्म में है, भगवान तो पृथ्वी के जर्रे जर्रे में व्यापक है। ओ हिरण्यकश्यपु बोला, इस खम्म के अंदर भी भगवान है जी पिताजी, है। हिरण्यकश्यपु ने कही, लाओ जा खम्म को ही पहले देख ले, जा खम्म में है या ना है। और इधर मेरे भगवान करुणा निधान ने क्षीर सागर में वही अपनी तैयारी दो रूप बनाए, कमर से नीचे है मनुष्य और कमर से ऊपर है सिंह, दोनों मिलकर के महाराज वो भगवान कैसे चला भूतल पे। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही तलवार का प्रहार उस खम्भ पे किया तो हुआ क्या, सिंह प्रभु को रूप भूप के समय गौ है। शांति बनाए रखेंगे, शांति बना के बोलिए नरसिंह भगवान की, विश्व गुरुदेव भगवान की जय हो। इस तरीके से भूतल पर नरसिंह भगवान। अच्छा, ये इनका प्राप्त कब हुआ था? बैसाख के महीना में चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान का भूतल पर आगमन हुआ। प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनो, आज हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान में युद्ध जारी हो गया। महाराज युद्ध करते रहे, युद्ध करते रहे द्वारपालों से। हाँ बहुत अच्छी, हटो हटो रे भैया, युद्ध चल रहा है नरसिंह भगवान में और हिरण्यकश्यपु में। प्रहलाद जी से कहो तुम साइड हो जाओ, युद्ध चल रहा है नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी में, शांति बनाए रखेंगे। वैसे महाराज शाम हो गई, युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कुर्सी दे दे, युद्ध चल रहा है महाराज, युद्ध चल रहा है। बाघ श्रोता बंधु जनो, शाम का पत्ता आया, भगवान ने नरसिंह हिरण्यकश्यपु को लिया और महाराज है जंघाओं पर रख लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा
हमारे परीक्षा जी बड़े समझदार ताली भी बजा रहे हैं। अच्छी बात है, एक बार पुनः समझ लिया, अच्छी बात है। तो सुनिए, इधर हुआ ये के दिन में तो युद्ध करते रहे यज्ञपति जी, और शाम को भगवान ने नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का अंत करना चाहा। अच्छा, शाम को काय को करना, थोड़ा कथा में ध्यान दो, ये झांकियों से बड़ी परेशानी यही हो जाती, कथा से भटक जाते आप लोग, तो सुनो जी, हर के सब जय जमा करो, सब जय लाला जमा करो। हवा है जब व्यास पीठ पर कल से कोई चीज ना होनी चाहिए, ध्यान रखियो, अपने कमरा में ले जाओ, जहां हवा मन खराब हो तो फिर तुम लोग कुछ कहो महाराज ये अपने सब बांध ले जाए करो, मैं जहाँ उतना ही मटेरियल लाओ जितना, और देख ले बूढ़ी मैया कितनी समझदार है। सही मैया मेरी बढ़िया है, अब माने चुपचाप दे दे जो करके मुट्ठी बंद करके जल। बोलिए गोविंद भगवान की, अच्छा लग रहा महाराज। सुनो तो हुआ ये के अच्छा शाम को काय को नरसिंह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, शाम को इसलिए किया, तो हिरण्याकश्यपु बोला भगवान से जी तुम कौन हो, भगवान बोले हम नरसिंह भगवान है, हम विष्णु भगवान, जो विष्णु का सोफा खड़ा हुआ है। भगवान ने पुनः पकड़ लिया, जाता कहां है इधर, अरे ये तो मेरा दुश्मन है। भगवान से कहने लगा हिरण्यकश्यपु तो तुम हमारा पद नहीं कर पाओगे। बोले क्यों, बोले मैंने विधाता से 6 वरदान लिए। भगवान बोले 6 वरदानों की पूर्ति है जाए तो, बोले हो ही नहीं सकती। बोले क्यों, बोले मैंने पहला वरदान लिया है न ऊपर मरे न नीचे मरे। भगवान बोले तो देख ले तू ऊपर है कि नीचे, न बे ऊपर आते हुए ना नीचे आते हुए, तो भगवान की जंघाओं पे पहला वरदान। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं तुम हमें मार सकते। बोले क्यों, बोले दूसरा वरदान हमने ये लिया था न अंदर मरे और न बाहर मरे। भगवान बोले तो दिनों में नहीं दिख रहा हो, देख ले तू बाहर है कि भीतर है, वे तो महल की चौखट पे आते, न वे बाहर आते न भीतर आते। तीसरा फिर भी हिरण्यकश्यप को कह रहा फिर भी नहीं तुम हमें मार सकते। बोले अब क्या बजे, बोले हमने ये कहा था ना हम दिन में मरे और न रात में मरे। भगवान बोले देख ले भैया दिन है कि रात्रि है, शाम का वक्त था, संध्या का गोधूल के बेला थी, शाम का वक्त था, फिर भी हिरण्यकश्यप ने बोला फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते। बोले अब क्या कमी रह गई, बोले कमी ये है मैंने भगवान विधाता से वरदान लिए थे, उनमें एक वरदान ये भी था न हम अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। भगवान बोले देख ले हमारे पास कोई हथियार तो ना है, और सिंह का तो सबसे बड़ा हथियार उसके नाखून होते। भगवान बोले नरसिंह, बोले नाखूनों से हम तेरे पेट को फाड़ेंगे। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते। बोले अब कौन सी कमी रह गई, बोले मैंने विधाता से वरदान लिया था हम 1 साल के 12 महीनों में भी ना मरे। भगवान नरसिंह देव जी कहने लगे काउंटिंग करके देख ले, ये 12वां महीना ना, ये 13वां महीना है, अधिकतम पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकश्यप बोला बाप रे हमें क्या मालूम था 13 महीने भी होते, नहीं तो मैं 13 महीने मांग लेते। फिर भी हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों, बोले हमने 6वां ये वरदान लिया था के भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी भी वस्तु से मेरा बंध न हो। भगवान वैकुंठ नाथ कहने लगे भले आदमी, भगवान ब्रह्मा हमें नहीं बनाता बल्कि ब्रह्मा की नियुक्ति हम करते हैं। और इतनी बात को कहा सो नरसिंह भगवान को क्रोध आ गया, और नरसिंह भगवान हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। क्रोध के आदेश में आकर के भगवान नरसिंह देव ने आज हिरण्यकश्यपु का हृदय नाखूनों से चीर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे भाई बहनों, हिरण्यकश्यपु
हिरण्यकश्यपु का परीक्षित यज्ञपति जी इस तरीके से अंत हुआ। ठीक है, अब सुनिए कथा का मूल भाव, सुनो। प्रहलाद जी खड़े हैं बगल में, भगवान को बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध है भगवान। सगरे देवता लोगन ने यूनियन बनाई और लक्ष्मी जी के पास गए, मैया भगवान के क्रोध को शांत करो। देवी लक्ष्मी जी बोली, क्यों ना, हम तो उनकी घरवाली हैं, वे हमारे वे हैं, और चलो ना भैया, हम क्रोध शांत करते हैं, आरती को थाल सजाओ। देवी लक्ष्मी जी जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने लगाई गुर्रा लक्ष्मी जी को, तो भाग के वैकुंठ मिलो ब्रह्मा जी, हमने ऐसो रूप भगवान को कबूला, देखो हमारी हिम्मत ना भगवान के क्रोध को शांत कर ले। तो भगवान ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम ही भगवान के क्रोध को शांत करो। सो आज भगवान नरसिंह देव जी ने प्रहलाद को गोद में ले लिया, और प्रहलाद को गोद में ले लिया महाराज बैठ गए, और प्रहलाद को चाटना शुरू कर दिया, प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया, चाटते 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 आज नरसिंह भगवान ने अपने क्रोध को महाराज शांत कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। अंत में प्रहलाद जी से कहते, बेटा तुम हमसे वरदान मांग लो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु हमें वरदान में कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता की अधोगति न हो। ठीक है, भगवान बोले, बेटा जिन लोगों का पद हमारे हाथों से होता है उनकी अधोगति नहीं होती, वो तो मेरे अपने लोक में जाते हैं। मेरे लाला और शांति बनाए रखाओ थोड़ी देर। तो सुनिए परीक्षित जी, प्रहलाद जैसा बेटा जिस कुल खानदान में पैदा होता है, तो भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसा बेटा जिस कुल खानदान में पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। साहब एक दो नहीं, 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, और 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की, और 7 पीढ़ी पत्नी पक्ष की, 21 पीढ़ियों का उद्धार कल्याण हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की, अखंड कीर्तन बोल लो, उसके बाद आरती और प्रसाद कर लो।